हे हेलो व्हाट्सअप गाइस, क्या हालचाल। स्वागत है आप सबको ऑल अराउंड की गेमिंग चैनल पर। गाइस, थोड़ा सा यहाँ पे रेंडरिंग इश्यूज हुआ था, उस रेंडरिंग की वजह से हम रिस्टार्ट करने चले गए थे, और रिस्टार्ट करके जैसे ही आए यहाँ पे थोड़ा सा फाइट हो गया है पिकाडो में। यहाँ पे फाइट हो गया है, बहुत सारे टीम्स की फाइट हो चुका है। यहाँ पे और भी बंदे मौजूद हैं जो फाइट अभी भी चल रहे हैं, उनके बीच स्लॉट नंबर 11 और स्लॉट नंबर 13 के बीच में थोड़ा सा रेंडरिंग यहाँ पे हुआ है। बहुत ज़्यादा गर्मी है और यहाँ पे मोबाइल ज़्यादा हीट अप इशू होने के कारण यहाँ पे ज़्यादा ही रेंडरिंग इशू यहाँ पे हो रहा है। कंटिन्यूसली रेंडरिंग चल रहा है कि ख़त्म ही नहीं हो रहा है। स्लॉट नंबर 13 के जो बंदे हैं आप देख सकते हैं, बिल्कुल यहाँ पर डाउन है। दूसरा बंदा यहाँ पे स्लॉट नंबर 13 के डाउन है, एक बंदा इनका स्लॉट नंबर 13 के जो बंदे हैं, और रेसिड भाई वो हाथ में शॉट गन लेके बैठे थे, बट वो स्प्रे दे सकते थे, फायर कर सकते थे, डाउन हो सकते थे, बट आई थिंक वो लास्ट में पैनिक हो गया, उनका इतना ज़्यादा लो एचपी हो गया था। और क्या ही बोल सकते हैं, उनके सारे टीम मेट्स डाउन थे, तो फिलहाल इनका थोड़ा सा गलत सीन हो गया है। बट यहाँ पे स्लॉट नंबर 10 के जो बंदे हैं, मनु भाई को दिखाई दे रहे हैं, वो यहाँ पे पुश करते हुए, बट अंधारा आसमान उनके लिए गलत साबित हो सकता है। स्लॉट नंबर 11 के बंदे यहाँ पे फुल हीलिंग कर चुके हैं, दो बंदे दिखाई तो दे रहे हैं, बट क्या इनके दो बंदे ही मौजूद हैं? यस, इनका दो बंदे ही मौजूद हैं, दो बंदे तो सर्वाइव कर रहे हैं। स्लॉट नंबर 11 के बंदे, जिया लॉर्ड के टीम के बंदे, बंगाल के टीम के बंदे, उनकी बात करें तो सामने यहाँ पे स्लॉट नंबर 10 के जो बंदे हैं, डेविल के टीम के बंदे हैं, गुजरात के टीम के बंदे हैं, बंगाल और गुजरात के टीम के बीच में यहाँ पे फाइट लग जाएगा। तो फिलहाल धीरे धीरे यहाँ पे स्लॉट नंबर 10 के बंदे यहाँ पे मार रहे हैं, एक बंदा उनका डाउन हो चुका है, दूसरे बंदे के ऊपर फुल जिम्मेदारी है, एक को रिवाइव करता है। ओ शिट, मां कसम, क्या ही सीन हो गया है। यहाँ पे स्लॉट नंबर 11 के बंदे चले गए लॉबी पर, जिया लॉर्ड के टीम के बंदे चले गए लॉबी पर, बंगाल के टीम चले गए लॉबी पर, फिलहाल यहाँ पे सरवाइव कर रहे हैं गुजरात की टीम, डेविल की टीम दूसरे साइड चलेंगे और देखेंगे क्या हो रहा है। सो फिलहाल यहाँ पे देख पा रहे हैं कि डायनामिक क्रीस यहाँ पे डाउन है स्लॉट नंबर 21 की। स्लॉट नंबर 21 हाइड्रा के टीम के बंदे हैं, उनके टीम के जो बंदा है हाइड्रा बोल रहा हूँ, डायनामिक क्रीस वो डाउन है क्रेजी के टीम के द्वारा, बंदे के द्वारा। फिलहाल क्रेजी के टीम के जो बंदे हैं वो इनके आसपास मौजूद हैं स्लॉट नंबर 21 के। अमन आगे बढ़ते हुए स्मोक करके आगे बढ़ते हुए अपने टीममेट के साइड दिखाई दे रहे, बट उनके टीममेट के ऊपर भी एक स्मोक डालना चाहिए था, बट उनके पास स्मोक ग्रेनेड है ही नहीं। जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे एक स्मोक करना चाहिए, बट स्मोक से क्या इनको दिखाई दे रहे हैं थोड़ा सा यहाँ पे बहुत ओके, क्रिस फिर से डाउन हो चुके हैं, और यहाँ पे अमन भाई भी डाउन हो चुके हैं। यहाँ पे डायनामिक अमन वो फिलहाल दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे डायनामिक बॉट वो यहाँ पे इनके साइड मौजूद तो है, बट वो साइड तो जा रहे हैं उनके टीममेट के पास, बट क्रिश को रिवाइव फिर से किया जाएगा। और यहाँ पे अमन भाई वो जिंदगी राहों पे ब्लेड आउट होता हुआ दिखाई दे रहे हैं, सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा इनके लिए हार्ड हो चुका है। अमन भाई फिनिश हो गए हैं स्लॉट नंबर 19 के द्वारा। फिलहाल स्लॉट नंबर 19 की पूरी टीम यहाँ पे एंट्री कर चुके हैं, और फिलहाल फिनिश करते हुए स्लॉट नंबर 21 के बंदे को दिखाई दिए हैं। लास्ट स्लॉट नंबर 21 के टीम के बंदे, नाडी के टीम के बंदे, वो अभी भी जिंदा हैं, वो फिलहाल सर्वाइव कर रहे हैं अकेले सोलो लौंडा, बट वो कितने टाइम तक सर्वाइव करेंगे वो देखेंगे। बट नाडी एएम हाथ में यूजी है और पुश करने की कोशिश कर रहे हैं, बट उनके वो जिस साइड मौजूद हैं उस साइड यहाँ पे स्लॉट नंबर 23 के बंदे मौजूद है दिखाई दे रहे हैं। सो फिलहाल देखते हैं क्या करते हैं। सो फिलहाल स्लॉट नंबर 19 के बंदे की बात करें तो वो धीरे धीरे एक टीम को फिनिश करके आगे बढ़ने का कोशिश कर रहे हैं। स्लॉट नंबर 21 के बंदे अभी भी उनके वहाँ पे मौजूद है, वो आगे नहीं बढ़ रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि थोड़ा सा सब्र करेंगे, और सब्र का फल हमेशा मीठा होता है हमको पता है, बट क्या यहाँ पे डांडी एएम इतना जो सब्र कर रहे हैं, क्या इनका सब्र का फल मीठा होगा? बट सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, अगर सब्र करेंगे फिर भी फल मीठा भी नहीं भी हो सकता है, वो थोड़ा वक्त बताएगा कि क्या होगा सिचुएशन, बट इस सिचुएशन के हिसाब से हम बताएंगे कि पूरी यहाँ पे गेम बिगड़ सकता है अच्छे टीम का भी,
क्योंकि ड्रॉप क्रैश करना बहुत गलती साबित हो सकता है। सही से जॉब ड्रॉप चूज़ करना भी बहुत बड़ी बात होता है। स्लॉट नंबर 22 के साइड चलेंगे और देखेंगे वहाँ पे क्या चल रहा है। स्लॉट नंबर 22 के साइड पहुँच तो चुके हैं और दिखाई दे रहे हैं कि यहाँ पे कौआ, ओके, कौआ की टीम के जो बंदे हैं वो दिखाई दे रहे हैं। स्लॉट नंबर 22 के बंदे हैं और जम्मू कश्मीर की टीम के बंदे हैं। इनके आसपास यहाँ पे स्लॉट ना, ओके, व्हाट द हेल, ये क्या था, ओ माय गॉड, ये तो गजब सीन हो गया भाई, एकदम गजब सीन हो गया यहाँ पे। क्योंकि फिलहाल यहाँ पे स्लॉट नंबर 22 के जो बंदे हैं वो फिलहाल तीन बंदे ही नॉक डाउन हो चुके हैं। स्लॉट नंबर 25 के जो बंदे हैं, मुझे याद नहीं आ रहा है कि कौन सा बंदा था, बट वो जो ग्रेनेड कूप करके बैठा हुआ था स्लॉट नंबर 22 के बंदे के साइड से स्प्रे दिया गया, उनके क्लोज रेंज में आता हुआ दिखाई दिया है। जैसे ही आया वो ग्रेनेड फेंक दिया अपने टीममेट के ऊपर, मां कसम, वो कैंसिल कर सकते थे, बट यहाँ पे स्लॉट नंबर 5 के बंदे लास्ट में वो एंट्री मार के फिनिश किया। और यहाँ पे स्लॉट नंबर 5 की जो सीन है ना, एक बार भाई रिवाइंड करके देखो, क्या सीन किया वहाँ पे, गजब सीन किया भाई। ऐसा लौंडा मैं आज तक कभी भी नहीं देखा उस फिल्म के अंदर, गजब ही बंदा है भाई। अमित वाईटी वो दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा लो एच पी है, हीलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्लॉट नंबर 22 जो जम्मू कश्मीर की टीम के बंदे थे वो पूरी टीम यहाँ पे फिनिश हो चुके हैं, चारों के चारों क्रेड सबको दिखाई दे रहा होगा चमकता हुआ। फिलहाल बहुत ही ज़्यादा सीन गलत हो गया था स्लॉट नंबर 5 के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे बचते हुए एक बंदे को खो के बट बचते हुए तीन बंदे को एटलीस्ट दिखाई दे रहे हैं। एक स्मैक्स की टीम के बंदे, ओडिशा की टीम के बंदे आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, तीन बंदे के साथ खेल रहे हैं। फिलहाल वो सीन क्या, लास्ट तक क्या होगा उनका पता नहीं। स्लॉट नंबर 9 की बंदे रेज की टीम की बात करें तो यहाँ पर रेज की टीम की वार्ट लग चुका है, गॉड ऑफ करोना को दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर स्लॉट नंबर 6 के सामने, आमने सामने स्लॉट नंबर 6 और स्लॉट नंबर 9। स्लॉट नंबर 6 के बंदे की बात करें तो यहाँ पे बंगाल के टीम के बंदे हैं। सो फिलहाल अच्छा, ओ भाई साहब, जायरो ब्रो, जायरो, ओके, नाइस। यहाँ पे बट अपने टीममेट को बचा नहीं पाए जो यहाँ पे नॉकडाउन पड़ा था, बट गॉड ऑफ करोना, तुम्हारे को नमन करता हूँ भाई, ये ऐसे नाम मत किया कर रखा करो, ठीक है, गजब नाम रखते हो भाई लोग। सो फिलहाल देखते हैं, जोन यहाँ पे बन चुका है, नया जोन बनेगा तो, बट यहाँ पे नाडी के टीम के एक बंदा डाउन है, वो फिलहाल यहाँ पे फिनिश हो चुके हैं, बट क्रेजी के टीम के द्वारा, ओके, क्रेजी के टीम के बंदे वो फिलहाल यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। दो बंदे सरवाइव कर रहे हैं, नहीं दो बंदे नहीं, गलत बोल रहे हैं, तीन बंदे ही सरवाइव कर रहे हैं, बट स्लॉट नंबर 21 के जो बंदे हैं वो दिख पा रहे हैं अभी भी सरवाइव करते हुए। नागी स्लॉट नंबर 23 के बंदे को फिनिश किया, बट यहाँ पे स्लॉट नंबर 23 के आखिरी लौंडा जो सरवाइव कर रहे हैं वो यहाँ पे स्लॉट नंबर 21 की बंदे को फिनिश करके लॉबी पहुंचाए हैं। बट स्लॉट नंबर 23 के एक बंदा डाउन है, उनको आई थिंक यहाँ पर रिवाइव दिया जा रहा होगा। क्रेजी की टीम के बंदे धीरे धीरे वो रोटेशन दे के आगे तो बढ़ रहे हैं, बट क्या यहाँ पे क्रेजी की टीम के बंदे स्लॉट नंबर 23 के बंदे को फिनिश कर पाएंगे, बिल्कुल नहीं पता। एजेंट क्या नाम लिखा है मुझे दिख नहीं रहा है, बट जो भी है स्लॉट नंबर 23 के जो बंदे हैं वो मेन बिल्डिंग के अंदर पहुंच चुके हैं। क्रेजी किंग बिल्कुल यहाँ पे सर सामने है, और यहाँ पे स्लॉट नंबर 19 के जो बंदे हैं उनके सामने स्लॉट नंबर, क्या है ये, क्या है, व्हाट द हेल, ये क्या था, फोकस नहीं है भाई लोग, भाई लोगों को गेम पे फोकस नहीं है भाई, क्या करें, फोकस किया करो गेम पे भाई लोग। दोनों ही टीम के बंदे को बोल रहा हूँ, स्लॉट नंबर 19 की इस बंदे को बोल रहा हूँ, और जो बंदा नाड़ी गरीब का बंदा था उनको भी बोल रहा हूँ भाई, वो तो कान छोड़ के आगे भाग रहा था, है कि नहीं।
स्लॉट नंबर 16 के साथ यहाँ पे स्लॉट नंबर 18 के बंदे की फाइट हुआ है। एक स्लॉट नंबर 18 के बंदे एक्वान हॉक से यहाँ पे स्लॉट नंबर 16 की एक बंदे को डाउन किए हैं, फिनिश भी कर चुके हैं। स्टार्ट के टीम के बंदे हैं वो महाराष्ट्र के टीम के बंदे थे, दो बंदे को यहाँ पे फिनिश कर दिया गया है। फिलहाल वेदांत को दिखाई दे रहे हैं हाथ में M4 और कृष्णा को दिखाई दे रहे हैं वो गाड़ी ड्राइव करते हुए दूसरे साइड रोटेशन दे देंगे और चले जाएंगे। बट यहाँ पे क्या इनका आधा अधूरा फाइट रह जाएगा स्लॉट नंबर 16 के बंदे, क्या यहाँ पे जॉर्ड की टीम स्लॉट नंबर 18 के बंदे के साथ फाइट नहीं लेंगे? वो दिखाई तो दे रहे हैं फाइट नहीं ले रहे हैं, वो रोटेशन दे के आगे जा रहे हैं, बट क्या यहाँ पे हील पे रुक जाएंगे वो नहीं पता बिल्कुल क्या होगा। बट यहाँ पे एक स्मैक्स की टीम के साइड चलेंगे, एक स्मैक्स की लेजेंड यहाँ पे डाउन है। स्लॉट नंबर जो है यहाँ पे जो है दिखाई दे रहे हैं स्लॉट नंबर 15 के बंदे वो यहाँ पे पूछ कर चुके थे, दो भाव की टीम के बंदे यहाँ पे स्लॉट नंबर 15 के बंदे को यहाँ पे पूछ करते हुए दिखाई दे रहेंगे। बट यहाँ पे स्लॉट नंबर 15 के दूसरा बंदा वो पूछ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बट यहाँ पे सिचुएशन क्या होगा बिल्कुल नहीं मालूम। ओके तो ग्रेनेड, नाइस ग्रेनेड की, बहुत बढ़िया प्यारा ग्रेनेड की प्रदर्शन करते हुए स्लॉट नंबर 15 के बंदे को दिखाई दिया है। वो बोल रहे हैं तुम मेरे बंदे को छोड़ मारे हो, हम तुम्हारा तीन बंदे को मारेंगे। तुम हमारे एक बंदे को खाए हो, हम तुम्हारा तीन बंदे को खाएंगे एक ग्रेनेड से। दो बंदा यहाँ पे एक्स मैक्स की टीम के बंदा नॉक था, एक बंदा बहुत ज़्यादा लो एच पी एक्स मैक्स रावण सर्वाइव कर रहा था एक ग्रेनेड से, तीनों की काम तमाम करके फिलहाल उनको लॉबी पहुंचा दिया है। स्लॉट नंबर 10 के बंदे अभी फिलहाल इनके सामने हैं, स्लॉट नंबर 15 के सामने हैं, नोवा की टीम के सामने हैं। स्लॉट नंबर 10 की बात करें तो यहाँ पे डेविल की टीम के बंदे हैं, गुजरात की टीम के बंदे हैं। स्लॉट नंबर 15 महाराष्ट्र की टीम के बंदे नोवा है। सो फिलहाल नोवा की टीम के अकेला एक सोलो राउंडर सामने, गुजरात की डेविल की टीम की दो बंदे 1v2 का सिचुएशन है। तो फिलहाल जोन की बिल्कुल बॉर्डर में वो लोग हैं, वो फाइट देखते हुए आपको दिखाई देंगे। आसपास बहुत सारे टीम्स हैं बट क्या होगा वो देखना पड़ेगा कि सिचुएशन क्या बनता है। सो फिलहाल यहाँ पे क्रेजी के टीम के साथ यहाँ पे स्लॉट नंबर 5 के टीम के बंदे की फाइट हुआ है। ओके ग्रेनेड एक दिया था बट स्लॉट नंबर 19 के बंदे एक बंदा डाउन, बट स्लॉट नंबर 5 के जो बंदे हैं आप देख सकते हैं उनके ऊपर टपाटप देते हुए दिखाई दे रहे हैं। पीछे यहाँ पे स्लॉट नंबर 19 के जो बंदे हैं यहाँ पे स्लॉट नंबर 5 के बंदे के ऊपर स्प्रे देते हुए दिखाई दे रहे हैं। बट स्लॉट नंबर 5 के बंदे थोड़ा सा डीप रीच में अपने आप को बचाते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्लॉट नंबर 19 के बंदे फिलहाल एक बंदा जो दूसरा बंदा डाउन था वो यहाँ पे फिनिश हो चुके हैं। स्लॉट नंबर 19 के एक सोलो लौटा यहाँ पे सरवाइव करते हुए स्लॉट नंबर 5 के जो बंदे हैं देख सकते हैं बिल्कुल सामने। बट क्रेजी रावण वो तो सरवाइव कर रहे हैं, उनका जो कंपेनियन है ना गजब सीन कर रहा है भाई, वो कुत्ता भाई ले रहा है वो कर रहा है, अपना टीम मेट यहाँ पर मर रहा है वो यहाँ पर मजाक कर रहा है, क्या सीन है भाई। अमित वाईटी बिल्कुल यहाँ पे सामने है, BK2 का अमित वाईटी बिल्कुल सामने है, एक स्नाइपर लेके बैठा हुआ है। अगर स्नाइपर की गन तगड़ा शॉट आया तो क्रेजी रावण लॉबी जाएंगे। बट यहाँ पे अमित वाईटी ओके बहुत ज़्यादा लो एचपी हो चुके हैं, अगर एक लास्ट गोली कनेक्ट हो जाता तो पक्का वो नॉक हो जाते। स्लॉट नंबर 5 के बंदे बोल रहे हैं कि सबर रखो बेटा, एक बार स्पॉट कर ले तो धब से देंगे फट से गिरोगे। तो फिलहाल वो देखेंगे कि धब से कब देते हैं फट से कैसे गिरते हैं वो देखेंगे। सो जोन बन चुका है, जोन में सारे टीम्स रोटेशन दे रहे हैं और यहाँ पे जैसे रोटेशन देंगे और जोन जैसे स्टार्ट हो जाएगा गजब फाइट लग जाएगा भाई। फिलहाल अभी लॉबी पे 10 टीम सर्वाइव कर रहे हैं, 26 बंदे हैं।
सो फिलहाल यहाँ पे जो पहुँचे हैं जहाँ पे देख पा रहे हैं सर थामा यहाँ पे एक बंदे को डाउन किया है स्लॉट नंबर 4 के बंदे को। बट स्लॉट नंबर 7 के बंदे की बात करें तो वो जोकर ओपी के टीम के बंदे हैं, बंगाल के टीम के बंदे हैं। सामने स्लॉट नंबर 4 के जो बंदे को डाउन किए हैं वो रॉयल के टीम के बंदे हैं, बंगाल के टीम के बंदे हैं। बंगाल के दोनों ही टीम है स्लॉट नंबर 4 और स्लॉट नंबर 7। स्लॉट नंबर 2 के बंदे को दिखाई दे रहा होगा वो क्लैन लेस के टीम के बंदे हैं, असम के टीम के बंदे हैं। फिलहाल यहाँ पे स्लॉट नंबर 5 के बंदे बंगाल के दूसरे और एक टीम यहाँ पे पहुँच चुका है। सो फिलहाल यहाँ पे 3 बंगाल की टीम को दिखाई तो दे रहे हैं, असम की टीम को दिखाई दे रहा होगा बट कहाँ गए वो तो दिखाई दे रहा था अभी। तो फिलहाल यहाँ पे स्लॉट नंबर 7 के जो बंदे हैं आई एम जेरी वो यहाँ पे डाउन है। असद थामा उनके साइड रोटेशन देके जाएंगे ज़रूर, बट असद थामा जैसे जाएंगे क्या उनके ऊपर फटाक से बढ़ सकता है, बट मुझे नहीं पता वो सीन क्या होगा वो देखेंगे। बट यहाँ पे ख़त्म कर दिया गया है असद थामा को। मैं सोचा ही था यहाँ पर टप पड़ जाएगा यहाँ पर स्लॉट नंबर 5 की साइड से। अपने टीममेट को छोड़ के उतना रोटेशन देना सही नहीं है भाई, लाइव मतलब दो ही बंदे खेल रहे हैं तो ऐसे क्यों भाई, गलत रोटेशन गलत। अपने टीममेट को लेके आगे बढ़ो, एक तो एक बंदा जाएंगे आगे दूसरा बंदा कवर दे सकता है, जैसे तुम कवर में पहुंचोगे तुम कवर दोगे वो बंदा आएगा, तो थोड़ा सा स्ट्रेटेजी के साथ खेलना चाहिए। स्क्रीम्स खेल रहे हो, नॉर्मल गेम्स थोड़ी खेल रहे हो यहाँ पे। तो यहाँ पे स्लॉट नंबर 24 की बंदे की एंट्री हुआ है। सो फिलहाल स्लॉट नंबर 7 के बंदे वो तो चले गए लॉबी पर, बट यहाँ पे स्लॉट नंबर 24 की अभी एंट्री हुआ है जम्मू कश्मीर के टीम के बंदे, इराक की टीम के बंदे की एंट्री हुआ है। सो फिलहाल यहाँ पे स्लॉट नंबर 5, स्लॉट नंबर 24, स्लॉट नंबर 16 के बंदे को भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, स्टार्ट की टीम महाराष्ट्र की टीम के बंदे को, असम की टीम को यहाँ पे हील पे मौजूद होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा हार्ड सिचुएशन यहाँ पे बन जाएगा। स्लॉट नंबर 4 के बंदे यहाँ पे असम के टीम के बंदे को यहाँ पे डाउन किए हैं स्नाइपर शॉट से, बट यहाँ पे स्लॉट नंबर 2 के जो बंदे हैं वो अपने टीममेट के साइड तो जाने का कोशिश कर रहे हैं, बट यहाँ पे उनके टीममेट उनके पास पास तो हैं बट वो नहीं आ रहे हैं। जॉर्ड की टीम के बंदे, त्रिपुरा की टीम के बंदे वो यहाँ पर एंट्री मारा है दिखाई दे रहे हैं। असम की टीम यहाँ पर त्रिपुरा की टीम के बंदे को यहाँ पर दिक्कत दे रहे हैं, बिल्कुल ऐसी जगह पे है यहाँ पे ये क्या चीज़ है, कौन सी जगह पे चढ़ा है, टैंकी के ऊपर गया वो, टैंकी के ऊपर यहाँ पे चढ़ के वो यहाँ पे फायदा उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं, पूरी टीम को स्पॉट करने की कोशिश कर रहे हैं। बट यहाँ पे स्लॉट नंबर 18 की बंदे की बात करें तो स्लॉट नंबर 18 के बंदे वो अभी फ़िलहाल स्लॉट नंबर 22 के बंदे को यहाँ पे स्पॉट कर चुके हैं, बट यहाँ पे सामने स्लॉट नंबर 2 के बंदे के सामने इतने सारे टीम से हम क्या ही बताएं आपको, पूरा घुमा के दिखा देते हैं, कैमरे को दिखाएंगे और कैमरे से दिखाएंगे कितने सारे टीम्स हैं। स्लॉट नंबर 4 के बंदे वो यहाँ पे एक बंदे टीम के बंदे को फिनिश किए हैं, बट सो फिलहाल यहाँ पे स्लॉट नंबर 5 के बंदे को यहाँ पे एक बंदे को डाउन किया गया है स्लॉट नंबर 2 के जरिए, बट यहाँ पे स्लॉट नंबर 2 के बंदे के आसपास कौन सा टीम है, स्लॉट नंबर 24 इराक के टीम के बंदे, चौट के टीम के बंदे, त्रिपुरा के टीम के बंदे वो बिल्कुल यहाँ पे थोड़ा सा डीप रीच में अपने आप को महफूज रखते हुए दिखाई दे रहे हैं, बट रोटेशन डालना पड़ेगा अभी क्योंकि जोन बन चुका है, वो जोन के साइड नहीं है, जोन को प्रायोरिटी देते हुए आगे बढ़ना चाहिए। और जैसे आगे बढ़ रहे हैं टपाटप बढ़ तो रहा है, बट यहाँ पे लास्ट टाइम में क्या सर्वाइव कर पाएंगे, एक्वानॉक्स यहाँ पे पहुँच चुके हैं, उनको उनकी चारों के चारों और तीनों के तीनों टीममेट को लेके, जॉर्ड की टीम को लेके, और यहाँ पे सामने स्लॉट नंबर 4 के बंदे हैं रॉयल के टीम के बंदे, बंगाल के टीम के बंदे, साइड में बंगाल के दूसरा टीम है स्लॉट नंबर 5 और स्लॉट नंबर 24 जम्मू कश्मीर की टीम के बंदे, असम की टीम के बंदे बिल्कुल इनके कैमरे के पीछे हैं, उनको भी दिखाएंगे और कैमरे को थोड़ा सा घुमाते हैं आप लोगों को देख सकते हैं। स्लॉट नंबर 2 असम की टीम के बंदे बिल्कुल हिल के साइड मौजूद है, टैंकी वैंकी है, और टैंकी वैंकी में चढ़ के बिल्कुल यहाँ पर टपाटप देने का कोशिश कर रहे हैं, बहुत सही है, बट उनको जोन में आना पड़ेगा भाई, अभी वो जोन को प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं। 20 सेकंड बाकी है, 20 सेकंड में रोटेशन डालना पड़ेगा, बट वो जब रोटेशन डालेंगे तो उनके ऊपर दिक्कत हो सकता है। स्लॉट नंबर 5 और स्लॉट नंबर 24 के बीच में हार्ड सिचुएशन है भाई,
ओ शिट, व्हाट द हेल। स्लॉट नंबर 24 के टीम के बंदे वो चले गए लॉबी पर, बट यहाँ पे स्लॉट नंबर 5 के जो बंदे हैं फिलहाल सर्वाइव कर रहे हैं, किंग ऑफ बॉयज की टीम के बंदे। देख सकते हैं स्लॉट नंबर 2 के बंदे जैसे बोल रहे थे कि जोन में वो प्रायोरिटी देते हुए बहुत आगे बढ़ना चाहिए था, बट वो बहुत धीरे धीरे बढ़ रहे थे। जोन जैसे आ रहे हैं वो जैसे आगे बढ़ रहे हैं, उस वजह से वो यहाँ पे लॉबी चले जाएंगे। भाई पहले से इनको आना चाहिए, पहले से यहाँ से उनको आना चाहिए, वो नहीं आ रहे थे। तो यहाँ पर एक बंदा उनका सर्वाइव कर रहे हैं अभी भी, बट वो बच नहीं पाएंगे। स्लॉट नंबर 2 के बंदे, असम की टीम के बंदे, क्लैन लेस के टीम के बंदे पूरी वाट लगा दिए हैं, खुद खुद अपने ही टीम की वाट लगाए हैं पूरी टीम। जोन में सही टाइम में रोटेशन देना चाहिए, लास्ट टाइम में स्मोक वोक करके रेडी होना चाहिए, कि जैसे अगर सोच रहे हैं कि जोन आते हैं, जोन जैसे आएगा वैसे ही आगे बढ़ेंगे। 10 सेकंड पहले निकले, 15 सेकंड, 20 सेकंड पहले निकलिए, नहीं तो पूरा गजब सीन हो जाता है भाई। पूरा टीम सर्वाइव कर रहा था, चला गया लॉबी पर, बट अभी भी छोड़ो क्या कर सकते हैं, जो गलतियाँ किए हैं उस गलती की नेक्स्ट टाइम दोहराएंगे नहीं। स्लॉट नंबर 18 के बंदे उनको फिनिश किए, बट स्लॉट नंबर 4 के साथ अभी फाइट लग जाएगा स्लॉट नंबर 18 के बंदे की, बट यहाँ पे स्लॉट नंबर जो है 18 के बंदे धीरे धीरे एंट्री मार रहे हैं। स्लॉट नंबर 18 की एक्वानॉक्स की एंट्री हुआ है, स्लॉट नंबर 4 के जो बंदे हैं उनको यहाँ पे फिनिश किए, बट एक्वानॉक्स वो फिनिश हो गए। मंक कसम, यहाँ पे स्लॉट नंबर 4 को तो फिनिश किए थे, बट लास्ट टाइम में बहुत हार्ड स्लॉट नंबर 5 थे शायद, ये स्लॉट नंबर 5 थे, किंग ऑफ बॉयज की टीम, बंगाल की टीम के बंदे विनर विनर चिकन डिनर लास्ट टाइम में एक्वानॉक्स को फिनिश करके वो ले गए। सो ऑल द बेस्ट गाइज, लव यू, टेक केयर। I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.